इधर देखो, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो आज का यूनिट हम लोग का क्या है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंदर में आज हम लोग प्रोडक्शन पढ़ेंगे, अगले दिन क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट, और ये थर्ड यूनिट भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कितने मार्क्स का है आपके एग्जाम में? 8 मार्क्स। आप सुन के आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ये जो टॉपिक्स आप 11 में पढ़ो यही टॉपिक हम लोग 12 में पढ़ाते थे पहले। पहले ये टॉपिक 12 में था, अभी ये टॉपिक कहाँ आ गया, 11। तो सिलेबस में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो गए हैं। तो ये चीज जो 12 में पहले पढ़ते थे स्टूडेंट्स, वही चीज आप कहाँ पढ़ रहे हो, 11। हाउएवर जो भी हो, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है। प्रोडक्शन क्या होता है? जहां पर हम लोग इनपुट से आउटपुट बनाते हैं, इनपुट से आउटपुट। तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, प्रोडक्शन इज द ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल या फिर हर वो चीज जो किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए। कोई भी चीज को बनाने के लिए जो भी चीज चाहिए उसको क्या बोलिएगा बाबू, इनपुट। और जो चीज आप बनाते हो उसको क्या बोलिएगा, आउटपुट। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो लकड़ी क्या हो गया, अब फर्नीचर क्या हो गया, लकड़ी, फर्नीचर। तो कोई भी चीज से जब दूसरा चीज बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बाबू, प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बताइए, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन एक जहां पर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, कन्वर्ट। किसको, इनपुट को, किसमें, आउटपुट में, किसको, किसमें। तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट मतलब हर वो चीज जो किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए, और आउटपुट मतलब जो चीज आपने बनाया है। जैसे मैदा से आप कचौड़ी बना रहे हो, तो मैदा क्या हो गया, इनपुट, कचौड़ी क्या हो गया, आउटपुट। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो ना, यस। कपड़ा से शर्ट बनाया, कपड़ा क्या हो गया, शर्ट क्या हो गया। हर वो चीज जो किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। और जो चीज आपने बनाया है उसको क्या बोलते हैं, लिखिए पॉइंट नंबर वन। पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे, एमसीक्यू का नोट्स है, पॉइंट वाइज नोट्स होगा, रेडी ना, आज कितना खाली खाली अच्छा लग रहा है। लिखिए पॉइंट नंबर वन, प्रोडक्शन क्या, लिखिए पॉइंट नंबर वन, लिखिए प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस। अरे यार खोली दो, आपको है कस्टमर। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। चलो जल्दी आ गया रे बाबू। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहां पर क्या करते हो, आप कन्वर्ट करते हो। किसको कन्वर्ट करते हो, इनपुट को। किसमें कन्वर्ट करते हो, आउटपुट। तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, इनपुट इनटू आउटपुट, इनपुट इनटू। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, सर इनपुट क्या होता है? तो आपको तो बताया, हर वो चीज जो किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए, हर वो चीज जो किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। और इकोनॉमिक्स में इनपुट का दूसरा नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा नाम क्या बताइए, और इकोनॉमिक्स के हिसाब से किसी भी चीज को बनाने के लिए कितना चीज चाहिए, चार। कितना चीज चाहिए, चार। कितना चीज, चार। तो आपसे पूछेगा हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, चार। एमसीक्यू में ऑप्शन दे देगा 3, 4, 5, आंसर क्या होगा, चार। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, चार। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, इनपुट, इन, इन। लिखिए पॉइंट नंबर टू, इनपुट रेफर्स टू, इनपुट रेफर्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट रेफर्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट रेफर्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट का मतलब क्या होता है बाबू, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पॉइंट नंबर थ्री लिखिए, एकदम ब्रेक कर करके कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। पॉइंट नंबर थ्री लिखिए, देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए चलिए अब देखिए, तो भाई देयर आर कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताइए, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, चार। अब पॉइंट नंबर ए, चारों का नाम लिख लीजिए, पॉइंट नंबर ए बी सी डी करके लिखिए, लैंड, लैंड मैंने लिख लीजिए ना, लैंड, लेबर, जी बी में हो गया लेबर। पहला फैक्टर का नाम क्या है, लैंड। दूसरा फैक्टर का नाम क्या है, लेबर। तीसरा फैक्टर का नाम है कैपिटल,
कैपिटल। चौथा फैक्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन। चौथा फैक्टर का नाम क्या बाबू? ऑर्गेनाइजेशन। तो जल्दी बताइए, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपसे पूछेगा कितना होता है बताइए, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने? यस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने बाबू? चार, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे पूछेगा कि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो क्या बोलोगे? चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड मतलब जमीन, जैसे हम लोग समझते हैं, लेबर मतलब वर्कर्स एफर्ट, और कैपिटल मतलब पैसा। तो इट कैन बी मनी, इट कैन बी मशीन्स, एनीथिंग, हर वो चीज़ जो प्रोडक्शन में हेल्प करे वो कैपिटल है। कैपिटल मतलब हम लोग क्या समझते हैं नॉर्मली, कि मशीन पैसा होता है, अकाउंट्स में ही पढ़ाई थी आपको, बट इकोनॉमिक्स में कैपिटल मतलब इट कैन बी मनी और इट कैन बी मशीन और इट कैन बी एनीथिंग जो प्रोडक्शन में हम लोग को हेल्प करता है। आपसे एमसीक्यू में पूछेगा कि वो कौन सा फैक्टर है जो नेचर से फ्री में मिला, बताइए। तो लैंड, लैंड नेचर से मिला हुआ, लैंड इज द गिफ्ट ऑफ नेचर। तो क्वेश्चन यही है बस, ये कोई एमसीक्यू, देखो एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत घुमा देता है। यही क्वेश्चन है, आपने चार फैक्टर पढ़ा, अब एमसीक्यू में पूछेगा वो कौन सा फैक्टर है जो फ्री ऑफ नेचर, मतलब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचर से हम लोग को फ्री में मिला, तो क्या हो जाएगा बताइए? लैंड। हम लोग को नेचर से तो फ्री में मिला, अब हम लोग इसको खरीदते हैं बेचते हैं तो वो अलग चीज हो गया, बट लैंड तो नेचर से हम लोग को तो फ्री में ही मिला। तो भाइयों और बहनों, अगर आपसे कोई पूछता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में कितने? चार। कितना बोलिए? क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। बोलो ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज बोलिए ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर फोर, लैंड इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। पॉइंट्स को ब्रेक करके लिखा रहे, लैंड इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर से मिला हुआ फ्री गिफ्ट कौन सा है बताइए? लैंड। देखिए उसका लिखिए, लैंड इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर लिख दी, उसका कॉन्सेप्ट नंबर फाइव। अच्छा कैपिटल मतलब सबका एक तो कुछ कुछ यूनिक बात जो है वो आपको लिखा है। कैपिटल का यूनिकनेस क्या होता है? कैपिटल को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्यों? क्यों? क्योंकि ये यूज होता है किसी चीज को बनाने में, तो कैपिटल को हम लोग यूज करते हैं किसी चीज को बनाने में, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एमसीक्यू पूछेगा वो कौन सा चीज है जिसको प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? कैपिटल। लिखिए कैपिटल इज द, कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल क्या है? तो प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब इट हेल्प्स अस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग को क्या करता है बाबू? हेल्प करता है। कौन बताइए? प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल। क्या बाबू? यस, तो कैपिटल हेल्प्स अस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। चलिए अगला पॉइंट भी देखिए, ये था प्रोडक्शन, अब ये तो क्या इनपुट के बारे में। अब जो सामान हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट। आउटपुट का ही दूसरा नाम है प्रोडक्ट। आउटपुट को ही इकोनॉमिक्स में लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। आप आउटपुट बोलिए चाहे प्रोडक्ट बोलिए, बात बराबर। तो आउटपुट से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट है, तीन कॉन्सेप्ट, तीन अलग अलग वर्ड होता है, एक होता है एपी, एक होता है एमपी और एक होता है टीपी। एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट और टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट। बोलिए बाबू, एपी बोलिए। सूरज, सूरज सर अंदर चले गए, ऑफिस में बैठी। देखिए ठीक, देखिए तो ये आप प्रोडक्शन कितने, प्रोडक्ट कितना तरह का बताइए? तीन। क्या क्या बताइए? एपी, एमपी, टीपी। क्या क्या बोलो? एपी, एमपी, टीपी। बोलो ना, एपी, एमपी, टीपी। एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, ये अलग अलग, एपी, एमपी, टीपी। लिखिए अब ये सब के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ आउटपुट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ, अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ आउटपुट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ आउटपुट। रेडी? अब उसके अंदर लिखिएगा पॉइंट नंबर ए, टीपी, टीपी, टीपी का फुल फॉर्म ब्रैकेट ओपन करके लिखिए, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट नंबर टू, एपी, ब्रैकेट ओपन करके लिखिए, एवरेज प्रोडक्ट,
पॉइंट नंबर थ्री लिखिए, एमपी, एमपी मतलब का फुल फॉर्म लिखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट। चले अब ये तीनों का मतलब समझना होगा। देख रेडी बाबू, क्या चीज डीपी नहीं बोले तो टीपी, हाँ टीपी तो बोलते स्टार्टिंग में ही ना, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट, और एमपी मतलब मार्जिन। अभी आप लोग स्कूल में कौन सा चैप्टर पढ़ाया हो रहा, यही वाला? आप लोग बहुत झूठ बोलते हो, जिस दिन आप बोलते क्या पढ़ाया बोले यही वाला पढ़ाया। देखिए कोई बात नहीं, देखिए मेन क्या इतना ज़्यादा, आप देखो आप लोग सोचो ना, आप लोग बहुत बच्चों ने तो स्कूल अभी स्टार्ट ही किया, एक दो दिन गए होंगे, तब तक एग्जाम ही आ गया, और इतना ज़्यादा प्रेशर है। आप सोचिए हम लोग का तो फिर भी इकोनॉमिक्स ऐसे थ्योरी सब्जेक्ट है तो ठीक है, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम तो अपना एक टारगेट बनाए, देखिए हम तो एग्जाम का डेट नहीं देख रहे, हम तो अपना एक जो टारगेट बनाए कि हमको 15 अगस्त तक कंप्लीट कराना है, बात समझे ना। तो उससे पहले हम लोग कुछ कुछ सब्जेक्ट है, कुछ कुछ एक दो सब्जेक्ट का एक दो दिन आगे पीछे कंप्लीट करा देंगे, हम लोग कैसे भी करके कंप्लीट कर लेंगे, बात समझे। लेकिन एग्जाम तो आपका सितंबर में, सोच के देखिए। लेकिन आप सोचो जैसे ये तो फिर भी ठीक है, सब थ्योरी पेपर है तो ठीक, कोई छाप नहीं है, थ्योरी पेपर में उतना दिक्कत नहीं होता, एक बार पढ़ाया खत्म कंप्लीट हो गया, जैसे ये क्या टिप मीनिंग बता दी हो गया। लेकिन सोचिए जो इसका मैथ्स, जो बच्चे लोग मैथ्स लिए, अब मैथ्स में प्रॉब्लम क्या बताइए, मैथ्स में तो एक सम्स करने से तो नहीं होगा। आप सोचिए एक सम्स करने से क्या स्टूडेंट सम्स बना पाएगा। अकाउंट्स में भी अच्छा कर दिया कि अकाउंट्स में ज़्यादातर चीज़ थ्योरी दे दिया सेमेस्टर वन में, सम्स ज़्यादा है नहीं, तो आपका यहाँ पर भी सेफ हो। लेकिन अगर आपका जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स में जो लोग का आप लोग का मैथ्स जो लोग ले हो, एडवांस मैथ्स जिन लोग का है, क्योंकि वो तो साइंस वाला मैथ्स है। अब वो बच्चे लोग का क्या है कि अगर मान लीजिए एक टू सम्स करा, एक टू सम्स करके तो वो एग्जाम में सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। कम से कम आपको एक एक चैप्टर में 20-20 स्टो, 30-30 स्टो, 50-50 स्टो सम्स करना पड़ता है, तो एक चैप्टर कंप्लीट होने में एक एक महीना, दो दो महीना लग जाता है, तब तक तो एग्जाम ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा वो एग्जाम, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इजी भी है, हार्ड भी है। इजी किसके लिए, जिस जैसे हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए इजी है, जिन लोग का सब्जेक्ट्स क्या है थ्योरिटिकल है। हार्ड किसके लिए, जो लोग का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, साइंस वाले स्टूडेंट्स, उन का तो हर चीज़ में प्रैक्टिकल होता है ना, तो उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करने में टाइम लगता है। जैसे आप सेम टू में करोगे तो सेम टू में देखोगे अकाउंट्स में हर चैप्टर में सम्स है, तो हर चैप्टर का सम्स करने में 5-10-15 कम से कम सम्स नहीं करेंगे तो समझ कैसे आएगा, सम्स कैसे बनाना। और जैसे ये पढ़ लो कि पढ़ लिया आप समझ गए कंप्लीट हो गया पढ़ा, बात समझ रहे, ये थ्योरी सब्जेक्ट हो गया। थ्योरी सब्जेक्ट में और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, पर जो भी आपको तो उसको फेस करना पड़ेगा। तो इसी बात पर आइए, तो बाबू अब टीपी क्या है, एपी क्या है, एमपी क्या है, ओ माय गॉड क्या क्या बताइए, टीपी, एमपी, एपी और एमपी। चलिए स्टार्ट करें, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा बाबू। आओ टीपी का फुल फॉर्म क्या था, टोटल प्रोडक्ट। जैसे देखिए 5 लेबर मिल करके 100 पीस पेन बनाया, तो ये 100 पीस पेन को क्या बोलेंगे, टीपी। क्या बोलेंगे, टीपी। क्या बोलोगे, टीपी। अच्छा अभी अगला वर्ड है एपी। एपी क्या होता है, 5 लेबर मिलकर के 100 पीस पेन बनाया, तो एक लेबर कितना बनाएगा, 100/5 20 पीस बनाएगा, 20 पीस को क्या बोलेंगे, एपी। क्या बोलेंगे, बोलो बोलो ना, एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज का मतलब ही होता है एक पीस, एवरेज मतलब एक पीस। जैसे अगर 10 स्टूडेंट के पीछे मेरा 50 रुपया खर्चा हो रहा, तो एक स्टूडेंट के पीछे कितना खर्चा हो, 5 रुपये, 8/5 बाबा ठीक है, मैथ्स में लिए आप। देखिए 100/5 कितना होगा, 20। एपी कितना हो गया, एवरेज प्रोडक्ट मतलब एक पीस का, मतलब 5 लेबर मिलकर अगर 100 पेन बना रहा तो एक लेबर कितना पेन बनाएगा, इसी को क्या बोलते हैं बाबू, एवरेज प्रोडक्ट। क्या बोलते बोलिए ना, एवरेज प्रोडक्ट। और एक बॉम्बेस्टिक कॉन्सेप्ट है एमपी, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको थोड़ा अलग समझना होगा आपको। जैसे मान लीजिए 5 लेबर मिलकर के 100 पेन बनाया, एक तो और लेबर आ गया, लेबर कितना हो गया, 6, और पेन का संख्या हो गया मान लीजिए 140, मान लीजिए, मान लीजिए पेन 5 से कितना हो गया, 6, कितना चेंज हुआ, 1 लेबर 100 से कितना हो गया, 140, चेंज कितना हुआ, 40। तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है ना, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को ही इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, एमपी। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स में जब भी कहीं भी आप मार्जिनल पढ़ोगे ना, तो आप समझ जाना मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, मार्जिनल मतलब एडिशनल। एक्स्ट्रा बोलिए चाहे एडिशनल बोलिए, बोलिए हाँ कि नहीं, हाँ। जल्दी बताइए टोटल प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट। कितना ईजी, देखिए इसीलिए कॉमर्स सबसे ईजी है। टोटल प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट। वट इज टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट क्या है, कितना इजी, इसीलिए तो कॉमर्स लिए। अच्छे क्या आर्ट्स नहीं लेके, तो आर्ट्स बहुत हार्ड है, बस आर्ट्स में बहुत पढ़ना पड़ता है, कॉमर्स में उतना पढ़ना है दरकार नहीं। तो आप लोग जैसे जो स्मार्ट बच्चे लगते हैं लोग कॉमर्स ले लिए। अच्छा अब बताइए एक पीस का दाम कितना होगा, ये कौन बताएगा, एक पीस कोई भी, एक एवरेज, एक एवरेज और एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं, मार्जिन। लिखिए पॉइंट नंबर, टीपी का फुल फॉर्म, टीपी का मीनिंग नहीं लिखा रहा, उसका नाम में ही मीनिंग है टीपी, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मतलब, अच्छा कॉन्सेप्ट नंबर भी लिखिए एपी, 7 नंबर ना, जो भी अपना नंबरिंग कर लो अच्छे से। एपी, एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट। रेडी लिखिए, इट इज द प्रोडक्शन, एपी के बारे में लिखिए, इट इज द प्रोडक्शन
मीन्स द, क्या लिखा बाबू? इट मीन्स द, इट इज द प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ, प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ इनपुट. देखिए हो गया बाबू, अगला पॉइंट में चलिए. कॉन्सेप्ट नंबर कितना बोली? एट. एपी के बारे में लिख लिए. अच्छा एपी का ना फॉर्मूला भी लिख लीजिए, सुविधा होगा. बात कोई छोटे छोटे सम्स दे देने से ना. एपी का फॉर्मूला होता है टीपी बाय क्यू. अच्छा टीपी का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? हाँ एकदम एक्टिव माइंड को ना एक्टिव रखिए, एकदम बौद्धू का तरह व्यवहार मत करिए. बस ये नहीं कि बैठे हुए हैं मैं कहाँ हूँ वहाँ वाला फीलिंग आ रहा, नहीं. देखो कि भाई क्या लिख रहे, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है? टीपी. तो टीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट. और यहाँ पर क्यू हमने लिखा, क्यू का मतलब होता है नहीं, क्वांटिटी तो होगा. सही बात बोले आप, क्वांटिटी ऑफ इनपुट लिख देंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. क्वांटिटी ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन क्वांटिटी ऑफ इनपुट. कॉपी करिए. सॉरी देखो चले. हाँ. अगला लिखिए एमपी. बाबू ध्यान दीजिएगा, एमपी मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट. अब इसका ना मैथमेटिकल थोड़ा फॉर्मूला है, वो भी लिखा गया है, देखते हैं आपको. इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ ऐसा है, इसको बोलते हैं मैथ्स में डेल्टा. डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन टीपी. टीपी मतलब अभी तो पड़े गरम गरम. टीपी मतलब, और डेल्टा क्यू, क्यू मतलब क्वांटिटी ऑफ इनपुट. अच्छा इसको अगर मैथमेटिकली आप सो करो, जैसे मान लीजिए 5 लेबर मिलकर के 100 पीस पेन बनाया, 6 लेबर मिलकर के मान लीजिए 140 पेन बनाया, जस्ट टू अंडरस्टैंड. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो टोटल प्रोडक्ट में चेंज पहले 100 था, अभी 140 हो गया, चेंज कितना हुआ? 40. लेबर पहले 5 था, अभी 6 हो गया, चेंज कितना हुआ? 1. आंसर कितना होगा? 40. यस अनु. लिखिए कॉन्सेप्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में. इट मीन्स, इट मीन्स the additional production it means the additional production from additional input क्या होता है? इट मीन्स एडिशनल प्रोडक्शन इनपुट. एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट. उसके बाद ना फॉर्मूला लिख लीजिएगा. देखिए जैसे हमने लिखा है वैसे लिखोगे. हेयर डेल्टा टीपी और डेल्टा क्यू. डेल्टा टीपी मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, इधर हो गया चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इनपुट. चलिए जरूर चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इनपुट. हो गया क्या? चलिए कौन सा ये सम्स वाला ना? ठीक देख जाओ. तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इनपुट. अच्छा ये हो गया टीपी. एपी एमपी टीपी अलग अलग कॉन्सेप्ट. अच्छा देखिए अब यहाँ पर क्या है. देखिए एपी में, एपी एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट में कुछ रिलेशन है. कुछ क्या बाबू? रिलेशन. कैसा रिलेशन है भाई ये? रिश्ता क्या कहलाता है? इस प्यार को क्या नाम दें? तो देखिए एमपी जो है ना एपी के हिसाब से रिएक्ट करता है, याद रखिएगा. मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट में जो चेंजेस होते हैं वो किसके हिसाब से होते हैं? एवरेज पर. अब देखिए यहाँ पर क्या है, एवरेज प्रोडक्ट अगर बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है.
लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, याद रखिएगा। एमसीक्यू में पूछेगा आपसे कि जब एवरेज प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो देखो जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा कौन बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर उसका उल्टा, जब एवरेज प्रोडक्ट घटेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी घटेगा, लेकिन ज़्यादा कौन घटेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। और जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है तो उस पॉइंट पर एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, तीन रिलेशन है, कितना रिलेशन बताइए, तीन। जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, ज़्यादा कौन बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। जब एवरेज प्रोडक्ट घटेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी घटेगा, ज़्यादा कौन घटेगा, जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। ये तीन अलग अलग सिनेरियो है, ये तीन अलग अलग सिचुएशन है और ये तीन टाइप का रिलेशन है, याद रखिएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट रिएक्ट किसके हिसाब से करता है, एवरेज। तो बताइए, अगर एपी बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ेगा, एपी घटेगा तो एमपी भी घटेगा, यस। और ज़्यादा कौन बढ़ेगा, एमपी, और ज़्यादा कौन घटेगा, एमपी, बात समझे। और अगर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, सेम। तो ये तीन सिचुएशन आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम तो क्या होता है, तो उस केस में एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट सेम होता है। नहीं, एग्जाम्पल नहीं है, ये सिचुएशन है, ये एक थ्योरी है इकोनॉमिक्स का, बात समझे। एग्जाम्पल उन चीज़ों का होता है जो कहानी होता है, ये तो एक थ्योरी इकोनॉमिक्स का जो अपने आप में कहानी है, कि आपको ये समझना है कि रिलेशन एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट में कैसा होगा, मतलब एवरेज प्रोडक्शन में मार्जिनल प्रोडक्शन में कैसा रिलेशन होगा। तो जब एवरेज प्रोडक्शन आप बढ़ाओगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, ज़्यादा कौन बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। जब एवरेज प्रोडक्ट घटेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी घटेगा, ज़्यादा कौन घटेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। और जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है तो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, सेम, बात समझे। लिखिए, यह है कि जब आप कोई कंपनी में प्रोडक्शन करने जाओगे तो ऐसा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, कोई सामान अगर बनाने जाओगे तो ऐसा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। लिखिए, हेडिंग दीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। देखिए, तो भाई कैसा रिलेशन है, एपी और एमपी में रिलेशन कैसा है, देखिए। जैसे हम ना अभी यहाँ पे लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप भी वैसे ही लिखोगे। तीन तरह का रिलेशनशिप है ना लोगों के बीच में, देखिए जैसे हम लिखेंगे ना वैसे आप लिखना, तो क्या होगा, आंसर समझने में आपको सुविधा होगा। वेन एपी राइजेस मतलब जब एपी बढ़ेगा, जब एपी बढ़ेगा तो आप कैसा रिलेशन देखते हो, आप रिलेशन ऐसा देखते हो कि एमपी इज ग्रेटर देन एपी, कोई दिक्कत है, बोली फिर से, व्हेन एपी फॉल्स। अब आप ऐसे हाई आप पूरा लिखना, तो उसके इसमें क्या देखते हो, एमपी इज लेस देन एपी, देखिए इतना सारा बात ना छोटा सा लाइन में लिखती। और व्हेन एपी इज मैक्सिमम, अगर एपी मैक्सिमम होगा बाबू तो एपी इक्वल टू क्या होगा, एमपी, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक, उतारिए, ऐसे लिखना, रिलेशनशिप का हेडिंग देके ऐसे चिपका दो एकदम। ठीक है, सुन लिए, देखिए नेक्स्ट, देखिए कोई बोला रुक गया, कोई बोला हो गया, ठीक है, देख ले रहे क्वेश्चन, ठीक है वो देख ले रहे, दे देंगे संडे को, हो गया बाबू। अच्छा देखिए, प्रोडक्ट, अच्छा ये यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट है,
प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। आप लोग में जिनका मैथ्स है ना, तो मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं मैथ्स में फंक्शन बोल के चैप्टर। मैथ्स में भी फंक्शन बोल के चैप्टर होता है, बात समझे ना। तो मैथ्स में जो फंक्शन होता है ना, वो आपका ऐसा होता है, देखिए इसका मतलब होता है वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। मैथ्स में इसको बोलते हैं वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। और फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फंक्शन दो चीजों का रिलेशनशिप शो करता है, मतलब ये जो हमने बोर्ड में लिखा है ये एक फंक्शन है, ये वाई का और एक्स का रिलेशनशिप शो करता है। वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन फंक्शन, वही कॉन्सेप्ट है लेकिन वो इकोनॉमिक्स में है। जैसे फंक्शन रिलेशनशिप शो करता है किसका, वाई का और एक्स का, वैसे ही प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन फंक्शन इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन को जब आप मैथ्स में लिखते हो तो वो बन जाता है, प्रोडक्शन का जो रिलेशन है उसको जब आप मैथ्स में लिखते हो तो क्या बन जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन शोज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, मतलब ये हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, 5 किलो मैदा में 100 पीस पूड़ी बनाए, कितना मैदा में बताइए, 5 किलो, 5 किलो मैदा में 100 पीस पूड़ी बनाए, तो 10 किलो मैदा में कितना पूड़ी बनाएंगे। ये आंसर में इंटरेस्ट नहीं हमको, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये कहीं ना कहीं एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, और इस मैथमेटिकल रिलेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। जितना देखो, एक बड़ा ही सिंपल सा थ्योरी है, जितना इनपुट दीजिएगा उतना ही आउटपुट आएगा, जितना आप एफर्ट दोगे उतना ही रिजल्ट आएगा। आपने कभी मेहनत नहीं किया, घर में कभी भी नहीं पढ़ा, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा 90% आ जाए, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल एकदम। कॉपी छुए भी नहीं, नोट्स भी ठीक से नहीं बनाए, जहां तहां लिख रहे, कभी इस पेज में आंसर लिख ले रहे हो, कभी उस पेज में नोट्स लिख ले रहे हो, और नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरा हम बंगाल में टॉप कर जाए, पॉसिबल है क्या, नहीं। इनपुट और आउटपुट का एक जबरदस्त वाला रिलेशन होता है, जितना आप एफर्ट देंगे उतना ही आपका रिजल्ट आएगा, याद रखिएगा। तो इनपुट आउटपुट का मैथमेटिकल रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, प्रोडक्शन फंक्शन। और इकोनॉमिक्स में दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। एक क्या होता है बोलिए, और एक क्या होता है, पहले समझा देते हैं फिर एक साथ लिखेंगे। एक है शॉर्ट रन और एक क्या बाबू, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब होता है एक साल से कम, एक साल से कम, मतलब जब इनपुट आउटपुट का रिलेशन के बारे में आप पढ़ते हो एक साल से कम के अंदर में, तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन। और लॉन्ग रन का मतलब एक साल से ज्यादा, एक साल से ज्यादा, एक साल से ज्यादा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो लॉन्ग रन हो गया। इकोनॉमिक जब भी शॉर्ट रन बोलेंगे आप समझ जाना एक साल से कम, और लॉन्ग रन बोलेंगे तो एक साल से ज्यादा। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक क्या बाबू, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। आइए लिखते हैं पहले इतना, उसके बाद बात होगा। हेडिंग दीजिए कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, जो भी कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में लिखिए, इट शोज मैथमेटिकल रिलेशनशिप, इट शोज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। ये मैथमेटिकल रिलेशन शो करता है किसके बीच में बाबू, इनपुट एंड आउटपुट, बात समझे। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन जो शो करता है उसको क्या बोलते हैं बताइए, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन शोज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। यस, इनपुट में और आउटपुट में मैथमेटिकल रिलेशनशिप कौन शो करता है बताइए, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। चलिए आइए देखिए। अच्छा, आप उसके बाद क्या करोगे ना, आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में दो कॉलम बना लोगे डिफरेंस टाइप का, तो इससे क्या होगा, हम लोग शॉर्ट रन भी पढ़ लेंगे लॉन्ग रन भी पढ़ लेंगे एक साथ। दो डब्बा बनाइए, एक डब्बा में लिखिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक में लिखिए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, या शॉर्ट रन लॉन्ग रन लिख लीजिए सिंपल में, एक में शॉर्ट रन और एक में क्या बाबू, लॉन्ग रन। आपका परसेंटेज कम हो गया उसमें, 80 से नीचे हो गया ना, देखिए। चलो चले,
लिखिए, शॉर्टन वाला डब्बा में लिखिए पॉइंट नंबर वन, लेस देन वन ईयर, एक साल से कम, लॉन्ग रन वाला में लिखिए मोर देन वन ईयर, मोर देन वन ईयर, ये एक साल से कम होता है और ये एक साल से ज्यादा होता है। अब इसमें आइए पॉइंट नंबर टू, नहीं अभी कहां से, शॉर्ट रन में देखिए, शॉर्ट रन में इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि जब आप एक साल से कम की बात करोगे तो एक साल से कम में सारा फैक्टर, आपको चार फैक्टर पढ़ा है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, सारा फैक्टर फिक्स होता है शॉर्ट रन में, सिर्फ एक चीज चेंज होता है, उसका नाम है लेबर। तो आपसे एमसीक्यू में पूछेगा कि शॉर्ट रन में कौन सा चीज चेंज होता है, तो आंसर होगा लेबर। शॉर्ट रन में सिर्फ एक ही चीज आदमी चेंज कर सकता है, क्या बताइए, लेबर। और जब आप लॉन्ग रन का बात करोगे, मतलब दो साल, पांच साल, दस साल, तो नया नया लेबर आपके कंपनी में आएगा, नया नया जमीन भी आप खरीद सकते हो, नया नया मशीन भी आप ला सकते हो, तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल होता है। तो लिखिए शॉर्ट रन वाला डब्बा में, हेयर, हेयर लेबर इज, हेयर लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर, हेयर लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर उसमें लिखिए, हेयर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, हेयर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। उसका दाई तीसरा पॉइंट में चलते हैं, शॉर्ट रन के लिए जो इकोनॉमिक्स में थ्योरी बना है उस थ्योरी का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। शॉर्ट रन का जो थ्योरी है उसका नाम क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और लॉन्ग रन का जो थ्योरी है उसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। एक का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, एक का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये दोनों थ्योरी है इकोनॉमिक्स का, दोनों में का मीनिंग भी समझिए तो लगभग सेम ही है। इसमें भी प्रोडक्शन के तीन स्टेज होते हैं शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में भी प्रोडक्शन के तीन स्टेज होते हैं। पहले प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, फिर प्रोडक्शन घटता है उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, और फिर प्रोडक्शन और ज़्यादा घटता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। क्या बोलते हैं बाबू, नेगेटिव। लॉन्ग रन में तीन स्टेज है, पहला स्टेज में बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग, फिर प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट होता है मतलब रुक जाता है, जितना है उतना ही रुक जाता है, उसके बाद फिर प्रोडक्शन घटने लगता है। तो दोनों स्टेज में डिफरेंस क्या बताइए, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता। तो लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर थ्री, मतलब पॉइंट नंबर थ्री, उसी में दो डब्बा में दो पॉइंट लिखे हो ना, तीसरा पॉइंट लिखिए, हेयर, हेयर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, हेयर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन Here, law of variable proportion works. Here, law of variable proportion works. Point number, उसमें लिखिए, here, law of return to scale. Here, law of return to scale. Works. यहां पर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल काम करता है। फिर कॉन्सेप्ट नंबर फोर, मतलब उसी में नेक्स्ट लिखियो, तीन स्टेज लिखिए, लिखिए थ्री स्टेजेस आर, थ्री स्टेजेस आर, हाँ उसी डब्बा कॉलम के अंदर में थ्री स्टेजेस आर, तीन स्टेजेस शॉर्ट रन में क्या क्या है बताइए, लिखिए इंक, जैसे ए बी सी करके, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव। और उसमें लिखिए
उसमें लिखिए थ्री स्टेजेस आर थ्री स्टेजेस आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंट डिक्रीजिंग. इसमें तीन तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेगेटिव और उसमें तीन तो इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंट और, तो ये दोनों में से डिफरेंस क्या समझ आया आपको कि उसमें शॉर्ट टाइम में प्रोडक्शन नेगेटिव हो सकता है, लॉन्ग टाइम में प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता है. हो गया. अच्छा अभी जंप कर जाइए, मतलब डब्बा को हटा दीजिए, अब डब्बा से बाहर निकल जाइए. ठीक है. अब एम सी क्यू में और एक क्वेश्चन है इस टॉपिक में, खत्म हो जाएगा चैप्टर अभी, मतलब इस ये पार्ट कम्प्लीट हो जाएगा. अब इसका कॉस्ट पार्ट है वो अगले दिन करेंगे. कि आपसे पूछेगा एम सी क्यू में कि बेस्ट स्टेज कौन सा होता है प्रोडक्शन का, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज. तो आंसर होगा सेकेंड स्टेज. से बेस्ट स्टेज कौन सा होता है बाबू, सेकेंड लिख दीजिए. इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, द बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज, द बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज सेकेंड स्टेज. प्रोडक्शन का बेस्ट स्टेज कौन सा बाबू, सेकेंड स्टेज.